पूरे एक साल हो गया लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुआ और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या होगा मेरा चैनल का? क्या हम इस चैनल को डिलीट करके एक नया चैनल बनाएंगे या फिर यूट्यूब को छोड़ देंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आप देख रहे हैं सुभाष टॉक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स को लेकर के आपका मन में भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखना नहीं होगा और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यूट्यूब में काम करेंगे। और जब तक 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप लगे रहेंगे यूट्यूब पर। और दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है आप ही के लिए बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स हमें कब तक पूरा करना होता है और कैसे काउंट होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने 1 जनवरी 2021 को अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और उसी दिन से आप वीडियो पोस्ट करने लगे और YouTube पर काम करने लगे और अभी मैं जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो आज है 21 जुलाई 2021। तो दोस्तों, कौन सा मंथ चल रहा है? ये सातवां मंथ। तो अभी जो सातवां मंथ चल रहा है तो मान लीजिए 7 मंथ में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है और 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आप दोस्तों अपना जब भी YouTube चैनल को कंप्लीट करके भेजेंगे तो ठीक उससे लास्ट 365 दिन को आपको काउंट करना होगा। अगर ये जुलाई चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान लीजिए जनवरी आ जाता है तो पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक साल के अंदर में हम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाते हैं तो अगर हमारा जनवरी 2022 या फिर फरवरी 2022 या फिर मार्च या अप्रैल 2022 में कंप्लीट होता है तो ठीक उसी से आपका पिछला 365 दिन का काउंट होता है। इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। जब आप अपना YouTube चैनल को रिव्यू में भेजेंगे मोनेटाइज के लिए तो दोस्तों, जब आप भेजते हैं, जिस दिन आप भेजते हैं उसका ठीक पिछला 365 दिन आपका काउंट होगा और उसी 365 दिन के अंदर में आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। अगर पूरा होता है तो आप वहां पे ऑलरेडी, जब आप मोनेटाइज सेक्शन में जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में 4000 घंटे का वॉच टाइम हावर कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं और आप अपने चैनल पर मोनेटाइज करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको चेक करना होगा। अभी हमें आपको चलिए पर्टिकुलरली दिखाऊंगा कि आप YouTube जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है वहां से कैसे वॉच टाइम हावर को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके YouTube चैनल पर कितना वॉच टाइम हावर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स देखने के लिए सबसे पहले तो आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं जो 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद एनालिटिक्स पर आपको जाना होगा। अब आपको नीचे आना होगा, यहां आप देख सकते हैं वॉच टाइम हावर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 28 डेज़ का रिपोर्ट आपको दिखेगा तो इस पर आपको एक बार टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 28 डेज़ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ टाइम का दिख रहा है, साथ में यहाँ सकते हैं लास्ट 365 दिन का, तो 365 दिन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं दिख रहा है 2027 घंटा, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे चेक करना होगा कि लास्ट 365 दिनों के अंदर में यहां पे 4000 घंटा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पे 4000 घंटा कंप्लीट हो गया है, साथ ही सब्सक्राइबर आपको चेक करना है, इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स का सेक्शन है, इस पर 28 दिन का रिपोर्ट दिख रहा है, 365 दिन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके फिर से 365 दिन पर क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा सब्सक्राइबर्स दिखेगा कि लास्ट 365 दिनों में कितना सब्सक्राइबर्स आया है। तो जैसे दोस्तों आपका 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र पर अपना YouTube चैनल को लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर के आसानी से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपका कंप्लीट दिखेगा कि आपने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम आपको कंप्लीट करके देना है। और अभी तक आपके मन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह आप YouTube से जुड़ी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।